आप सभी प्रतिभागियों को सादर नमस्कार। एक बार पुनः टीचर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, शिक्षक प्रशिक्षकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा व्याख्यान माला सह वेबिनार के अंतर्गत आज हमारा 5वां व्याख्यान आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सप्ताह के अंत में या तो शनिवार को या रविवार को एक देश के जाने माने शिक्षाविद को आमंत्रित करते हैं, जिससे कि वो हमारे इस विद्यार्थी समुदाय को, शिक्षक समुदाय को दिशा निर्देश दे सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। उसी कड़ी में हम आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक कोट, जो हमारे विश्वविद्यालय में अक्सर हमसे हमको बताया जाता है, दीवारों पर भी अंकित है, वो मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों के समक्ष रखना चाहूँगा। पढ़ते समय सारी दुनिया को एक ओर रख दो और पुस्तकों में लेखक की विचारधारा में डूब जाओ, यही तुम्हारी समाधि है, यही तुम्हारी उपासना है और यही तुम्हारी पूजा है। यहाँ पर उन्होंने स्वाध्ययन को, स्वाध्याय को बल देने के लिए सारे विद्यार्थियों को एक संदेश दिया है। मित्रों, आज का जो विषय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा क्रियान्वयन की चुनौतियां व समाधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से पब्लिक डोमेन में आई है, उसके बाद से इसके संबंध में कई तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं हम सभी के समक्ष आ रही हैं। हम सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अपने अपने स्तर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं और अब जो समय है कि इसके क्रियान्वयन पक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। और आज हमारे बीच हमारे देश के शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र के एक जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह सर उपस्थित हैं। मैं सर का आज इस वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है समस्त विद्यार्थियों की ओर से और सभी संचालक समिति की तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपने अतिथि महोदय का, विशेषज्ञ वक्ता का एक परिचय आप सभी विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत से लोग सर को जानते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी जो अभी हाल ही में हमारे शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़े हैं, उनको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह सर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में वर्तमान में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। सर की अगर हम बात करें, जो इस समय सर के पास दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की जो विद्वत परिषद है उसके सदस्य हैं, आप एक्सपर्ट कमिटी फॉर डेवलपिंग एंड फाइनलाइजिंग करिकुलम ऑफ एजुकेशन ऑफ NIOS उसके आप चेयरपर्सन हैं, आप महायोगी गुरुश्री गोरक्षनाथ शोध पीठ जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, उसकी जनरल बॉडी के आप मेंबर हैं। आप इस समय NCT नॉमिनी हैं कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी गौरबंगा मालदा वेस्ट बंगाल में। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के बोर्ड ऑफ स्टडीज में शिक्षा शास्त्र विषय के रूप में आप वहां सदस्य हैं। आप JN चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया की बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप मेंबर हैं। वर्तमान में सर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की रिसर्च कमेटी जो है
उसके आप सदस्य हैं। उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी, जो कि बहुत ही पुराना बहुत ही फेमस कॉलेज है, उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप मेंबर हैं। सर, पिछले 32 वर्षों से अधिक समय से हमारे यूजी लेवल के और पीजी लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षण का अनुभव है और साथ ही साथ उनके शोध कार्यों को पर्यवेक्षित करने का अनुभव भी सरकार है। सर, 2005 से ही प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले सर ने जो सेवाएं दी हैं ये जानना आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, साउथ इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बी हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में जो है उसके सर प्रिंसिपल रहे 1 दिसंबर 1997 से 10 अप्रैल 2001 तक। इससे पहले भी वो प्रिंसिपल इंचार्ज रहे इसी संस्था के 1 साल और इससे पहले भी उन्होंने लेक्चरर के रूप में वहाँ सेवाएं दी। सर के पास एक व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख के रूप में सर 3 वर्ष तक संकाय प्रमुख रहे, 2015 से 2018 तक। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के आप अध्यक्ष रहे 2011 से 2014 तक और एक बार पुनः 2016 से 2019 तक 2 बार आपने शिक्षक और शिक्षा विभाग को एक नई ऊंचाई दी। आप संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उसके भी आप विभाग अध्यक्ष रहे। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की उसके आप कई वर्षों तक चेयरमैन रहे। फैकल्टी बोर्ड जो हमारी फैकल्टी ऑफ आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय है वहां पर उसके भी आप चेयरपर्सन रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी जो कि एक विश्वविद्यालय है, काफी पुराना और अच्छा विश्वविद्यालय है वाराणसी का, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भी सर 2018 से 2020 तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे। राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्था जो भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसकी जनरल बॉडी में आप 2017 से 2020 तक सदस्य के रूप में, विशेषज्ञ सदस्य के रूप में आप कार्य कर चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में अगर हम देखें तो सर ने वित्त अधिकारी के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सेवाएं दी हैं। आप विजयवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन BBHPS वहां पर आप प्रिंसिपल रहे 1997 से 2001 तक, वहां पे हेड भी रहे उस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, और इसके अतिरिक्त कई समितियों के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की हम बात करें, आपने प्रोक्टर के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। अभी वर्तमान में दायित्वों के साथ साथ सर ने इससे पहले विजडम टीम एक्सपर्ट के रूप में एनसीटी की काम किया है, चाहे हम ERC की बात करें, WRC की बात करें, NRC की। आप एडमिशन सेल जो है उसके आप कोऑर्डिनेटर रहे, एडमिशन के जो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है एडमिशन संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, उस दायित्व को भी सर ने बड़े सफलतापूर्वक और उसको अंजाम दिया। पब्लिकेशन की हम बात अगर करें तो 22 से अधिक रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स सर के पब्लिश हो चुके हैं महत्वपूर्ण जर्नल्स में और 3 पुस्तकें सर की अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इनवाइटेड लेक्चर्स के रूप में आपने काफ़ी बड़े स्तर पर सर ने अपने अनुभवों को साझा किया है।
सैकड़ों कार्यक्रम जहाँ पर ऐसे हमने भी अटेंड किए हैं, जहाँ सर को हमने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सुना है। और कोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो सर ने यूजी लेवल का हो चाहे पीजी लेवल का हो, जिसे हम बीएड और एमएड का कोर्स के रूप में जानते हैं, उनमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है कोर्स डेवलपमेंट। जबकि अगर हम बात करें चाहे वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें या जो भी संस्थाएं है जहाँ पर सर हमारे विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रहे हैं, तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं विशेष बात सर के बारे में, जब से मैं जुड़ा हूँ मैं जानता हूँ सर मेरे लिए विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे अनुभव सर के मैं जब सुनता हूँ उनके उपहार बिंद से, तो कैसे काम किया जाए, साहस पूर्वक काम किया जाए, इसके लिए वे हमारे मिसाल हैं और हमें ऊर्जा देते हैं, दिशा दिखाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण है कार्य करना आज के इस, चाहे शिक्षा क्षेत्र की हम बात करें चाहे समाज की बात करें। तो इस रूप में मैं सर को पाता हूँ कि सर एक साहसी, निडर और निर्भीक व्यक्तित्व के रूप में शिक्षक शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ऐसे महान विभूति को मैं अपने इस मंच पर पाकर आज बहुत प्रसन्न हूँ और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि उनके अनुभवों से आप सभी विद्यार्थियों को जो कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, देश भर से आप आज जुड़ करके इस कार्यक्रम को सुनते हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस व्याख्यान माला से लाइव सेशन में 1000 के आसपास विद्यार्थी जुड़ते हैं। लाइव सेशन समाप्त होने के बाद भी इस रिकॉर्डेड सेशन को कई हजार विद्यार्थी बाद में भी सुनते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जो मुद्दों की समझ है उनको बनाने के लिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे हैं, क्रियान्वयन की चुनौतियां हैं, उनके लिए आपके अनुभव अत्यंत उपयोगी हैं। सर मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोमू जी, आपने संक्षिप्त के नाम पर बहुत लंबा परिचय दे दिया, मैं उसमें दब गया हूं। मैं सोच रहा हूं, मैं खोज रहा था जब से जैसे आपने परिचय बताना शुरू किया कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। बहरहाल मैं तुरंत अपने विषय की ही बात करता हूं, जो आज का विषय निर्धारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा क्रियान्वयन की चुनौतियां और समाधान। मैं बिल्कुल शिक्षक शिक्षा पर आने के पहले 2 से 4 मिनट समय लूंगा। पहली बात कि मैं अंत में कुछ बात भूल जाऊं तो अगर कोई बात किसी को थोड़ी सी नागवार गुजर जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पहली चीज, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता। कभी कभी सच जो है सीधे निकल जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को हर्ट कर देता है, एक बात ये है। दूसरी, वो कबीर ने कहा है ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। तो चूंकि बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर करनी है तो कुछ कागज की लेखी भी होगा, कुछ आंखन की देखी भी होगा, इन दोनों के बीच हम जरूर अपनी बात कहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस मंच से जोड़ने के लिए और इस पर अवसर देने के लिए। अब मैं, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके परिचय में ही लिखा हुआ है, मैं उसको उसी के शब्दों में बयान कर दूं। जब ये उल्लेख है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत कम में छांट करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिसमें SDG, इसका पूरा
फुल फॉर्म होगा सतत विकास लक्ष्य, शामिल है कि संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है। अपनी प्रस्तावना में एक और बात इस नीति में लिखी गई है परिचय में कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। देखिए, क्रियान्वयन के पहले हम लोग इस बात को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट करता हूं कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है, ये शिक्षा नीति के परिचय में ही उल्लिखित है। हर नीति का हर नीति का अपना एक विजन होता है और अपने विजन में उन्होंने बिल्कुल पहली ही लाइन में बहुत साफ लिखा है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। ध्यान दें, भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली। अब इन सबको अगर हम मिला के देखें तो मेरे जैसा आदमी यह समझता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो मूल भावना है वो इसको इस तरह कह सकते हैं कि भारतीय मूल्यों के आधार पर विकसित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत को एक सशक्त, सुदृढ़, समुन्नत व आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करना तथा भारतीय गौरव की प्रतिस्थापना करना, ताकि देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर तो बने ही, लेकिन साथ साथ आने वाले दिनों में यह विश्व का नेतृत्व भी कर सके। मुझे लगता है नीति की मूल भावना यह है। तो अब इस मूल भावना के क्रियान्वयन की जब हम बात करेंगे तो शिक्षा जब भी होगी तो उसकी कोई प्रणाली होगी, कोई उसकी व्यवस्था होगी, उसका कोई प्रशासन होगा, जिसकी चर्चा अभी हुआ, गवर्नेंस की भी बात आएगी। और इसके साथ साथ शिक्षक भी होंगे, साथ में इन सब के क्रियान्वयन की कोई ना कोई भाषा भी होगी। हम सीधे सीधे चुनौतियों और समाधान की ही बात करने वाले हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी कि यह जो हमारी नीति है, मेरे समझ से उसकी भावना यह है। तो अब इसके क्रियान्वयन में जो सबसे पहली चुनौती है मुझे लगती है वो है लोगों का माइंडसेट तैयार करने की। भारत के लोग भारतीय व्यवस्था के प्रति आदर भाव, गौरव भाव रखें, उसे अंगीकार कर सकें, इसके लिए सबसे पहले लोगों का मानस तैयार करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसके कई समाधान हो सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों की भारत केंद्रित मन स्थिति तैयार अगर हो गई तो आपका आधा काम हो गया। आगे देखेंगे कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं, हम अभी चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हमारी मन स्थिति भारत केंद्रित हो, यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसका समाधान मुझे लगता है कि जो जागरूक लोग हैं समाज के, जिसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, अध्यापक भी आते हैं, छात्र भी आते हैं, और वे लोग भी आते हैं जो समाज की और देश की चिंता करते हैं, इनको लगातार इस काम के लिए प्रयास करना होगा। औपचारिक से कहीं ज्यादा अनौपचारिक और निरौपचारिक रूप से
इसमें सरकार का सहयोग मिल जाए बहुत अच्छी बात है, न भी मिले तब भी हम अपना काम रोक नहीं सकते, ये ज्यादा जरूरी काम है। दूसरा, जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है नीति के क्रियान्वयन की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, इसके अलावा जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इनमें आपसी सामंजस्य, बेहतर तालमेल, यह बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो नीति में उल्लिखित है। बात हमें शिक्षक शिक्षा की करनी है जो नीति के अध्याय 15 में है, लेकिन इसके साथ साथ एक और अध्याय है, अध्याय 5, जो शिक्षक की बात करता है। और आप अगर आपने नीति पढ़ी होगी, निश्चित तौर से बहुत से लोगों ने देखा होगा इसको, तो ये दोनों अध्याय, अध्याय 5 और अध्याय 15, अर्थात शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। नीति के अध्याय 5 के पैरा 28 में एक बात कही गई है, वो मैं आपको आपको पढ़ देता हूं। 5/28, वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफटी 2021 तैयार की जाएगी। यह नीति में उल्लिखित है। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी, ध्यान दीजिएगा अगली लाइन भी साथ में, और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। ये नीति कहती है। निश्चित तौर से जहां तक हमें भरोसा है कि एनसीटी ने एनसीईआरटी के परामर्श से अपना काम शुरू कर दिया होगा। अब इसी बीच राज्य सरकार, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, मैं बाहर के बजाय अपने प्रदेश का उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश शासन का एक पत्र है, आप कहेंगे तो उसकी संख्या वगैरह बता दूंगा मैं, 25 जनवरी 2021 का, यह शीर्ष प्राथमिकता का पत्र है, जिसके आधार पर यह मंशा जाहिर की गई कि भाई ये जो सिलेबस है इसको 1 जुलाई 2021 से हम सफलतापूर्वक संचालित कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी ने बहुत मेहनत किया, बहुत कम समय में बहुत अच्छा पाठ्यक्रम बना के दे दिया, सिलेबस बना के दे दिया, सॉरी पब्लिक डोमेन में भी डाला, सुझाव आए होंगे। मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट है और जो सुझाव है, हो सकता है समय की कमी रही हो, जल्दी प्रस्तुत करना रहा हो, इसलिए ड्राफ्ट में और फाइनल में कोई अंतर सरसरी तौर से देखने को नहीं मिला। हाँ, अगर कहीं कामा फुल स्टॉप या एक आध लाइन, एक दो शब्द बदले हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने मोटी तौर से देखा, बहरहाल तो एक तरफ नीति ये कहती है कि एनसीटी द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से ये एनसीएफटी 2021 तैयार की जाएगी, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत तेज काम किया, इसके लिए हमारी सरकार भी बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है उत्तर प्रदेश सरकार। और उन्होंने जिन लोगों को अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने का दायित्व तो दिया, उन लोगों ने भी बहुत कम समय में दिया, इसके लिए वे भी धन्यवाद, साधुवाद, बधाई सबके पात्र हैं। लेकिन यहां पर एक बात
आड़े आ जाती है और वो ये है कि वो अभी एनसीएफटी 2021 आई नहीं है, जून का महीना चल रहा है और जुलाई में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सिलेबस तैयार हुआ वो लागू हो जाएगा। मान लीजिए अगर एनसीएफटी बाद में आती है तो ये जो असमंजस की स्थिति आएगी इसको कैसे डील किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जो इंप्लीमेंटेशन की एजेंसियां हैं, क्रियान्वयन की जो एजेंसियां हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपसी तालमेल अवश्य होना चाहिए। ये तालमेल हो ये बड़ी चुनौती है। ये केवल शिक्षा में ही नहीं, ये हर क्षेत्र में है। फिलहाल हम अपनी बात शिक्षा से ही करना चाहेंगे। एक और बात, शिक्षा होगी तो कोई ना कोई उसकी भाषा होगी जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का माध्यम भाषा होगी। नीति कहती है भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया जाएगा। यहां तक कि यहां ये इसमें तो ये साफ साफ कहती है कि तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 3/4 से ज्यादा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वहां सिलेबस अंग्रेजी में आता है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ता है कि भाई नीति कहती है भारतीयता को बढ़ावा, भारतीय भाषाओं को प्रश्रय, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में जहां 75% से ज्यादा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम, परीक्षा का माध्यम हिंदी है, वहां आप ड्राफ्ट अंग्रेजी में देते हैं। ध्यान रखिएगा यह आलोचना नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम जिन जो तैयार करने वाले लोग थे उनमें से एक दो हमारे परिचित हैं जिनसे हमने पूछा उसी समय जब ये ड्राफ्ट आया कि भाई ये केवल अंग्रेजी में है कि हिंदी में ही है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो अंग्रेजी में ही है। मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसे भारत की भाषा में और उत्तर प्रदेश में हिंदी बहुतायत में प्रयुक्त होती है तो हिंदी में भी इसे प्रस्तुत किया जाए, ये ज्यादा अच्छा होगा, सर्वग्राही होगा। एक और बात, समाधान इसका क्या है, एक चीज और अभी मैं कहने वाला हूं, उसके बाद इकट्ठे इसका समाधान बताते हैं, क्योंकि जो भी भारतीय भाषाएं हैं अगर इनको शीर्ष प्राथमिकता नहीं होगी तो भारतेंदु जी तो लिख के चले गए कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। दुनिया का हर शिक्षा शास्त्री, हर शिक्षाविद यह मानता है कि बच्चे को उसकी शिक्षा उसकी अपनी भाषा में होना चाहिए, यह ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा बेहतर होगा। नीति भी मानती है इस बात को। लेकिन अपनी भाषा में जब तक हम अपना शैक्षिक व्यवहार शुरू नहीं करेंगे, क्या बेहतर परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है? क्या जो लक्ष्य नीति ने में तय किए गए हैं
क्या इन्हें पूरा किया जा सकता है? मुझे लगता है यह संदेहास्पद होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती है मानस तैयार करने की। अभी बात करते हैं जब हम लोग, तो लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमैनिटीज की बात तो समझ में आती है, साइंस कैसे अपनी भाषा में हिंदी में पढ़ाया जाएगा? उनको मेरे जैसा आदमी यही जवाब देता है कि दुनिया के बाकी देश अगर अपनी भाषा में अपने हर ज्ञान और विज्ञान का संप्रेषण कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात कि अंग्रेजी तो अंग्रेजों के साथ आई थी ना, वो तो चले गए, हम मैकाले को क्यों कोसे भाई। लेकिन अभी जो ये काम हो रहा है ये तो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं। तो यहां पर दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो शिक्षा में, शिक्षा नीति के निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में अध्यापकों की या शिक्षाविदों की कितनी भागीदारी है, क्योंकि नीति यह भी कह रही है एक जगह कि हर बुनियादी परिवर्तन के मूल में अध्यापक होगा। यह सिलेबस भी अध्यापकों ने तैयार किया। मैं उन अध्यापकों को प्रणाम करता हूं कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम आपने कर दिया। लेकिन और भी अच्छा होता अगर ये अपनी भाषा में किया गया होता, ये ज्यादा बढ़िया होता। मेरे जैसा आदमी एक बार के बजाय 5 बार प्रणाम करता। अब इसका समाधान क्या होगा? उन्होंने तो बना दिया, लेकिन यह सिलेबस हर विश्वविद्यालय अपने हिसाब से अपने यहां बनाएगा। और यही इसका समाधान है कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा उसे हम पूरा करेंगे। अपने यहां हम इसे हिंदी में बनाएंगे, अन्य विश्वविद्यालय जहां है वो अपने यहां बनाएंगे, अपनी भाषा में बनाएंगे। इसलिए ये आलोचना नहीं है, ये समाधान है कि समस्या ये है और समाधान ये है कि अब जो काम बचा रह गया है वो हमारी जिम्मेदारी है। वे लोग, क्योंकि 4 लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा काम कर दिया, तो हम 1000 लोग मिलकर के, 400 लोग मिलकर के क्या इस छोटे से अधूरे काम को नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अभी मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जब ड्राफ्ट आया उत्तर प्रदेश का, तो मैं पन्ना जरा निकाल लूं, हमने लिख के भेजा था, पता नहीं वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इनकॉर्पोरेट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें 2-3 बातें केवल हम कहना चाहेंगे। ये मैं ड्राफ्ट मेरे सिलेबस मेरे सामने है, सिलेबस का पेज नंबर 17, और ये पेपर का नाम है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज। देखिए मैं एक चीज और कह दूं, चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में या हम बेसिकली ह्यूमैनिटीज और भाषा से ही जुड़े आदमी हैं, इसलिए हमने ज्यादा अपनी बात को, या जब हमने पढ़ा या जो हमने कमेंट भेजा, वो ह्यूमैनिटीज और भाषा से ही जुड़े हुए थे। साइंस मेरा विषय नहीं है, अन्य मित्रों ने भी इसे पढ़ा होगा, वो अपनी बात कहेंगे। यहां पर एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है E03010T। कोर्स की टाइटल है
पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज वन, और इसमें इनकी जो चौथी यूनिट है लैंग्वेज कल्चर एंड सोसाइटी, ये इसमें कई सारी बातें हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो चीजें जो हमें करनी है जब हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, जो इसमें छूट गया है, तो मेरे समझ से सबसे पहले भाषा, संस्कृति और समाज, इन तीनों का अंतः संबंध क्या है, इस पर भी प्रकाश डालने की बात सोची जानी चाहिए। हम सोचेंगे, आप भी उचित समझें तो सोचें, ये मेरा सुझाव मात्र है, ये न तो किसी की आलोचना है न तो कुछ, ये सुझाव है केवल। इसी में एक 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 सब पॉइंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, और इसमें है पियाजे, स्किनर, चोम्स्की, ब्रूनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें भूलवश ऐसा मुझे लगता है भारतीयों का नाम छूट गया है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, सवेरे मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई नाम तो नहीं बताऊंगा, जब ये ड्राफ्ट आया तो उन्होंने कहा कि सर ये पहले इसका क्या करेंगे, हमने कहा कोई बात नहीं है, जो राज्य सरकार का एक पत्र आया है वो पत्र मैं आपको बता दूं कब का है, एक मिनट, ये 8 फरवरी 2021 को एक पत्र आया है, ये भी शीर्ष प्राथमिकता का है, जिसमें इन्होंने हमको बड़ी अच्छी छूट दे दी है। वो छूट है 30% तक आवश्यक परिवर्तन करते हुए 1 जुलाई 2021 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम का संचालन सुनिश्चित कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, 30% तक तो हम, सरकार ने हमें अथराइज कर दिया कि 30% तक भैया आप बदल सकते हैं। तो मेरे जैसा आदमी ब्रूनर और चोम्स्की को पढ़ाने के बजाय पाणिनी को पढ़ाएगा, पतंजलि को पढ़ाएगा, गार्ग को पढ़ाएगा, याज्ञवल्क को पढ़ाएगा, ऐसे लोगों को, अपने लोगों को पढ़ाएगा, यानी अपने लोगों को पाठ्यक्रम में रखने की वकालत करेगा। इसलिए कि हमने विदेशियों को बहुत पढ़ लिया, मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं, 1 मिनट का समय लूंगा, इस सिलेबस का कितना महत्व है। मैं नौकरी में आ गया था 1996 में, एक व्यक्ति मुझसे मिलते हैं धारवाड़ में, और वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने किजू भाई बधेका को पढ़ा है। मैंने उनसे कहा कि क्षमा करें, मैंने तो इनका नाम भी नहीं सुना है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसा आदमी है, कैसा अध्यापक है, किजू भाई का नाम भी नहीं सुना। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने अपने ब्रीफकेस से दिवा स्वप्न गिजू भाई बधेका की एक पुस्तक है, मैं अक्सर कहता हूं हर मंच से या कभी भी अपने विद्यार्थियों तक को कहता हूं कि भाई जरा इसको भी पढ़ो। तो उन्होंने दिवा स्वप्न निकाल करके दिया और कहा कि डॉक्टर साहब इसको पढ़ना। उनकी भाव भंगिमा से लग गया कि ये बहुत इनको निराशा हुई। मैं घर जाने के पहले ऑफिस में ही बैठे बैठे पढ़ गया पूरा। अब पाठ्यक्रम वहां बन गया था एमएड का, हम चाह करके भी उसमें शामिल नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय एनसीटी के तत्कालीन चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर जे एस राजपूत जी को मैंने पूरा वाकया एक चिट्ठी में लिख के भेजा, और उस समय एनसीटी कई सीरीज
भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के ऊपर निकाल रही थी, गांधी अन एजुकेशन, अरविंदो अन एजुकेशन, जाकिर हुसैन अन एजुकेशन। हमने कहा सर ये हिंदी में निकले और मैं आभारी हूं, इंस्ट्रक्शन किया गिटार और प्रयोग हिंदी में। बहरहाल 2001 में मैं बनारस आता हूं, मैंने अपने यहां कहा कि भाई गिजू भाई को हम लोग एमएड के पाठ्यक्रम में डालें, तो मुझे सौभाग्य है, मुझे उस समय तीन अपने गुरुओं का स्नेह प्राप्त था, तीनों हमसे बड़े थे। एक मैडम ने कहा कि भाई प्रेम नारायण ये कौन है, हमने कहा एक विद्वान है, इनको कम जानते हैं लोग, तो कहे सिलेबस में डाल के जनवाओगे, हमने कहा जी मैडम। तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने पूछा मैटर कहां से मिलेगा, मैंने कहा मैटर मैं दूंगा। उसके बाद कोई सवाल नहीं हुआ, जुड़ गए। मुझे यह कहते हुए भी आज इस मंच से सुकून है कि 2001-2 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने गिजू भाई वधेका को अपने एमएड के पाठ्यक्रम में शामिल किया औपचारिक रूप से। उन्होंने पूछा इसको पढ़ाएगा कौन, हमने कहा यह मैं पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको ये बता दूं कि मैंने आज तक एक दिन भी गिजू भाई को नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया था, मेरा काम उसका प्रसार करना था, और इसलिए हर साल मैं अलग अलग लोग इसको पढ़ाते थे। मैंने ऐसी व्यवस्था किया ताकि विद्यार्थी तो बदलते रहते हैं, अध्यापक भी जो पढ़ाएगा वो पढ़ाने के पहले तैयारी करेगा, पढ़ेगा तो वो जानेगा। इसके अलावा हमने कहा भाई इस पर कुछ शोध होना चाहिए, एक लघु शोध हुआ, एक शोध हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग परिचित नहीं थे, लेकिन हमारा विद्यार्थी परिचित है, हमारे भी थे, और आज तो प्रायः बहुत से विश्वविद्यालयों में वो शामिल है पाठ्यक्रम में। तो इन पाठ्यक्रमों में मेरा विनम्र आग्रह है कि ब्रूनर और चोम्स्की को जरूर पढ़ाइए, मुझे तो नहीं लगता कि इनको बहुत पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अपने यहां इनके पहले एक समृद्ध परंपरा थी, तो अपने आप पर भी गौरव करना हमें सीखना होगा, इसके लिए भी माइंडसेट तैयार करने की चुनौती है जो पहले ही कहा था, इसलिए भारतीय लोगों को शामिल करिए। अभी आज सवेरे मैंने पूछा उनसे, अपने मित्र से, कि भाई साहब आपके यहाँ बोर्ड ऑफ स्टडी हो गई, कहे हाँ हो गई। हमने कहा कितना परिवर्तन किया, कहे बड़ी मुश्किल से 20%। हमने कहा 30% की छूट थी, अगर वो सुन रहे होंगे तो सुन भी रहे होंगे। तो उन्होंने कहा क्या करिएगा भाई साहब, लोग तैयार नहीं हुए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। हमने पूछा कि एक्सपर्ट कौन थे, उनका नाम नहीं बताने वाला हूं मैं, एक्सपर्ट कौन थे, तो लोगों ने कहा कह रहे जो है उसे लागू कर दीजिए, और अभी जितना बदल रहे हैं उतना ही लागू करिए। यानी एक सरकार कहती है कि 30% बदल लो, लेकिन जो विद्वान बैठता है वो इसलिए कहना पड़ेगा मुझे बहुत दुख के साथ कि एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना तो सबसे आसान है, लेकिन समानांतर संरचना खड़ी करना यह बहुत कठिन काम है। 30% कहां से काटोगे और क्या जोड़ोगे यह तय करना भी मुश्किल काम है। लेकिन याद रखिए कि अगर यह मुश्किल काम हम नहीं करेंगे तो हम उस चार लोगों की कमेटी से कभी अपेक्षा नहीं कर सकते जिन्होंने एक महीने में बना के दे दिया कि आप ये सारा काम अकेले कर दो। तो ये काम कुछ उन्होंने किया, कुछ हमारे लिए बचा हुआ है जिसे करना है, और सरकार ने कहा है यह प्रायः हर जगहों पर होगा। बहुत से लोग जो केंद्र के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं अपने उत्तर प्रदेश के, वो इस बात को अगर ठीक समझें तो थोड़ी मेहनत करें और भारतीय लोगों को, भारतीय विद्वानों को, भारतीय विधियों को। जैसे मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको इसी संदर्भ में, हम हर बार्ट की पंचपदी बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन
हाँ हमारे बड़े भाई का एक मैसेज आ गया है, मेरे सुपुत्र ने बताया। सुझाव तो भाई साहब हमने लिख के दे दिया है, और भी दे देंगे लिख करके। अभी तो मैं अपने मित्रों का थोड़ा मानस तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हूं, जो एज इट इज बहुत से विश्वविद्यालयों में, आज मेरे एक मित्र ने बताया कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने तो जो उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट है उसी को लागू कर दिया। मैं उन लोगों से बहुत विनम्रतापूर्वक ये निवेदन कर रहा हूं कि भाई एज इट इज लागू करने के बजाय जहां आप परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं वहां आप थोड़ा कष्ट करके परिवर्तन कीजिए, यह मेरा विनम्र आग्रह है। और ये एक चुनौती भी है, मुझे थोड़ा अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, क्षमा कीजिएगा, इसलिए कि ये थोड़ा मेरा दुखद पक्ष है। हम हां को हां मान लेते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं, तो हम उसी उसी दीपक को जलाने। मैं दूसरी बात इसी तरह से कहता हूं कि हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है अपना काम, तेवर है क्या हवा के हम देखते नहीं। कितने लोग, इसलिए पहले ही मैंने माफी मांग लिया था कि किसी को बात चुभ जाए तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन क्या परिवर्तन करना है इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहां करना है ये सोचना पड़ेगा, कहां कहां क्या भारत केंद्रित डालना है ये करना पड़ेगा, जो हर विश्वविद्यालय को अलग अलग करना है। इस मंच पर तमाम विश्वविद्यालयों के हमारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे कहने का मतलब ये, मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी सुझाव मैं अलग से भी भेजूंगा भाई साहब इस फोरम के बजाय। अभी तो सोमू जी ने हमको केंद्रित कर दिया है चुनौती और समाधान के ऊपर केवल। मुझे दो ही तीन चुनौतियां लगती हैं। एक और चुनौती है और वो है ब्यूरोक्रेसी, जो अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। जो अभी मैं दो उदाहरण दे रहा था वो उनमें भी उनकी भूमिका हो सकती है, लेकिन मैं इसको इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि ये उनकी आलोचना नहीं, उनकी कार्यप्रणाली अलग है, आपकी कार्यप्रणाली अलग है, इन दोनों में कैसे सामंजस्य होगा ये सोचना और इसे लागू करना, इसे व्यवहार में अमल में ले आना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है इनमें वो ये है कि हम न उनका पैटर्न बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम सरकारों को नहीं बदल सकते, सरकार की नीतियों को लागू करने में अपना योगदान दे सकते हैं, इसलिए केंद्रित इसी पर रहना है कि नहीं हम इसे ही लागू करें। कैसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्था के स्तर पर, ये हमारा दायित्व है। कमेटियों में हम ही लोग बैठते हैं, जिनका मैं उदाहरण दे रहा था वहां भी शिक्षाविद ही बैठेगा किसी न किसी बोर्ड ऑफ स्टडी में, सिलेबस भी वही बनाएगा। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कई बार लोग कहते हैं कि यार भाई साहब बना लीजिएगा मैं आके साइन कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं, ये कड़वी हकीकत है। हाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम लोग पूरा ड्राफ्ट कभी भेजते थे और उसको पढ़ करके उस पर बकायदे अपने कमेंट भेजते थे, ये लोग भी हैं। ये दोनों धाराएं पैरेलल चलती हैं, एज इट इज मान लेने वाली भी और इसके अलावा उसको बेहतर बनाने की दिशा में सोचने और काम करने वाले भी। मुझे लगता है इस दूसरी धारा के साथ तालमेल बिठाना ये ज्यादा बेहतर है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दो तीन बातें जो सुझाव के तौर पर मैं अभी कह सकता हूं वो ये है, क्योंकि ड्राफ्ट आप भी पढ़ लीजिएगा, कई चीजें हैं, मैंने तो केवल एक का उदाहरण दिया, ऐसे 200 पॉइंट हैं। और
दो बातें, भाषा की बात मैं कह रहा था, भाषा की बात थोड़ा सा एक बार फिर दोहरा दूं दो मिनट में केवल, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी में भी 22.5 और 22.6 में एक बात कही गई है 22.5 में, वो मैं आपके सामने उल्लिखित कर देता हूं। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, विशेषतः वे भाषाएं जिनकी लिपि नहीं है। नीति के 22.6 में कहा गया कि इसके अलावा वे भारतीय भाषाएं भी आधिकारिक रूप से जो लुप्त प्राय की सूची में नहीं है, जैसे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को एक बात ध्यान रखने की है, जिसको मैं कहना चाहता हूं, भारतीय भाषाओं के शिक्षण व अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी संस्करण पृष्ठ 87 आप देख सकते हैं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि शिक्षा में और विशेष करके अध्यापक शिक्षा में भी क्रियान्वयन के स्तर पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रतिबद्धता ये आवश्यक है, ये ध्यान देने की है। दूसरी, अध्यापक शिक्षा में जो क्रियान्वयन की बात है और जो चुनौती है वो है, हम लोग तो सीधे जब 60 दिन की प्रैक्टिस टीचिंग चलती है, एक मोटी बात, तो बाहर का कोई विद्यालय जल्दी देता नहीं है। तो अभ्यास विद्यालयों की कमी कैसे पूरी करें, यह एक बड़ी चुनौती है। अध्यापक प्रशिक्षण के संस्थान अपने अभ्यास विद्यालयों की चुनौती को कैसे पूरा करेंगे, और इसलिए मेरे जैसा आदमी बहुत दिन से यह बात कहता रहा है कि हर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान का अपना एक विद्यालय भी अवश्य होना चाहिए, और पहले था। आज जो डाइट बन गए हैं, पहले जब ये बीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करते थे तो इनके अपने नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे, जो अब पता नहीं है कि नहीं। जो अच्छे शिक्षण संस्थान थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेन कैंपस की वजह यहां क्यों है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल हिंदू बॉयज और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, जो उसके साथ इनके मैनेजमेंट में भी उनकी भागीदारी। ऐसे तमाम शिक्षण संस्थान है, और आज भी अगर हमें रिगरस ट्रेनिंग की बात करनी है, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी, अध्यापक प्रशिक्षण की बात करनी है, तो हमें अभ्यास महाविद्यालयों की समस्या का समाधान करना ही होगा, और नहीं तो खाना पूरी की तरह जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और इसके लिए मेरा दो सुझाव है, एक, हर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के साथ उनका अपना विद्यालय हो। इसके अलावा जो नवोदय विद्यालय हैं, उन्हें क्यों ना उनके साथ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करें, जो कि जो नई संकल्पना है 4 वर्ष की, ये संकल्पना नई नहीं है, सॉरी, ये तो कई दशक पुरानी है। हाँ, ये जरूर है कि 1975 में जब शिलांग में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अंतिम स्थापित हुआ, इसके पहले जो 4 थे, उसके बाद से इन सॉरी 1995 में शिलांग में स्थापित हुआ, उसके बाद से फिर विगत 25 सालों में कोई नया रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, 5 हैं। तो ये संकल्पना तो वहां चल रही है पहले से मूर्त रूप में, और बहुत बढ़िया चल रही है। तो कम से कम प्रत्येक राज्य में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो पहले से चल रहे हैं उनकी तर्ज पर स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो सक्षम संस्थाएं हैं
वो अपने यहां फीडिंग विद्यालयों की स्थापना करें, यानी एक अभ्यास विद्यालयों की कमी को पूरा करें, और इसके साथ साथ एक और बहुत मुझे लगता है जरूरी है, और वो है कि जो डाइट का स्ट्रक्चर है इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। और रीजनल इंस्टीट्यूट की भूमिका, अगर रीजनल इंस्टीट्यूट स्थापित होते हैं तो उनके उनमें भी क्लियर कट सर्विस और एक विंग बनाइए जो इन सर्विस टीचर्स को भी ट्रेन करें। लेकिन केवल इन सर्विस टीचर्स को ट्रेन करने के नाम पर आप पूरा का पूरा एक संस्थान लिए बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए इन संस्थाओं का मर्जर, कई संस्थाओं का इनमें आपसी कोऑर्डिनेशन, ये तो सरकारी स्तर का काम है, ये सरकारें करेंगी, उन्हें करना चाहिए। मेरा एक सुझाव ये भी है, ये ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि विद्यार्थी को जब हम अद्यतन रहेंगे तब उसे अद्यतन कर पाएंगे, जब हम मोटिवेटेड रहेंगे तो उसे मोटिवेट कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार एक बार कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई हम जरूर हर बार को पढ़ें, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय विद्वानों के द्वारा जो तैयार किए गए पद हैं विद्यालयों में, उन्हें भी पढ़ें, जानें, पढ़ाएं, और ये देश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन में के विद्यालयों में ये लागू है। वहां हर बार की नहीं, लजाराम तोमर जी द्वारा विकसित जो 5 पद हैं वो लागू हैं, उन्हें हम भी लागू कर सकते हैं और हम अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कर सकते हैं लागू करने के बजाय, ताकि हमारा विद्यार्थी ये जाने कि केवल हर बार नहीं, हर बार से बढ़िया हमारे यहाँ पहले भी था और आज भी है। मुझे लगता है सोमू जी, जो अगर समय है तो एक बार समय बताते हैं, क्योंकि घड़ी मेरे पीछे है, मैं घड़ी नहीं देख पा रहा हूं, अभी 2-4 मिनट का समय है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं कि चुनौती, जहां चुनौती है वहीं समाधान है। हाँ, केवल एक बात है कि जब हम जानते हैं कि मार्ग कठिन है, हवा के विपरीत चलना है, जैसे अभी हमने ब्यूरोक्रेसी की बात किया था, या कहीं भी जब आपको हवा के विपरीत चलना होता है तो आप मेंटली तैयार होते हैं और अपनी ताकत बढ़ा देते हैं। तो यह मान के चलिए कि आपके यहां सब कुछ अच्छा अच्छा थाली में परोस के मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो भी करना है वो मार्ग आसान नहीं है, कठिन है, और कठिनाई का अंदाजा करके अगर आप अपनी योजना बनाएंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर कोई सवाल हो तो उनका स्वागत होगा। जी सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ प्रश्न के रूप में कोई जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में अभी नहीं दिखी मुझे, अगर कोई सवाल है तो मेरा निवेदन है कि तुरंत अभी लिख सकते हैं हमारे जो भी लिसनर्स हैं। तो जैसा कि हमने कहा आपसे शुरुआत में ही कि सर का जो अनुभव है शिक्षक शिक्षा का,
और उस अनुभव को जब हमारे साथ साझा करते हैं तो कुछ मूल बातें आप सभी को समझ में आई होंगी जिन्होंने पहली बार सुना है कि शिक्षा में जो शिक्षक शिक्षा है उसमें जो भारतीयता का पक्ष है उस पर सर की चिंता है, उसमें जो भाषा का पक्ष है उस पर सर की चिंता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक शिक्षा में जो प्रयोगात्मक पक्ष है, जो हम अभ्यास शिक्षण की बात करते हैं, जो सबसे जरूरी है, जिसको लेकर के कई वर्षों से बस चिंतन मनन, उसके क्या ठोस इंतजाम हैं, हम इंटर्नशिप को चला रहे हैं, उस इंटर्नशिप में हम क्या कर रहे हैं, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन सबको, और व्यवहारिक चुनौतियां हैं, ये ऐसी चुनौतियां हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप सभी सुन रहे हैं, मैं जानता हूं आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी जो हमारे बीएड के विद्यार्थी हैं, बहुत से विद्यार्थी जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सवाल बड़ा सवाल है भाषा का। अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, किसी एक विद्यार्थी ने लिखा, आकांक्षा त्रिपाठी नाम से कमेंट था, कि गीजू भाई बदेका के बारे में तो मैंने तब जाना जब मैंने अमेरिका एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें सवाल आया था उनके बारे में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम जो जरूरी भारतीय पक्ष हैं, जो भारतीय शिक्षाविद हैं, जिन्होंने वाकई में बहुत मौलिक योगदान किया है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, उसे पढ़ाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, उसे हम सबको करना होगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नितिन त्यागी जी जुड़े रहे, जो आरंभ में नहीं जुड़ पाए क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू था उनके साथ, लेकिन वो हमारे व्याख्यान से जुड़े रहे, और जुड़ करके उन्होंने एक सह संयोजक के रूप में मेरी मदद की है, और उनको मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए, औपचारिक रूप से नितिन त्यागी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। नितिन त्यागी जी इस समय JS हिंदू PG कॉलेज अमरोहा उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य हैं, और अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षा शास्त्र विषय के लिए BEd के लिए हुई थी, उसमें आपने टॉप किया है, आपका हमने कार्यक्रम भी करवाया था, आपका भी सहयोग हमें हमारे कार्यक्रमों को, हमारी सेवाओं को प्रदान करने में हमेशा मिलता है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। नितिन त्यागी जी, सभी को नमस्कार। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज आपकी ठीक आ रही है। हाँ सर, प्रथम तोमू सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज धन्यवाद प्रस्ताव का यह अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम नारायण सर को मैं इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले वर्ष सुन चुका हूँ। आपकी बहुत ही सरल, सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति विषय को अत्यंत बोधगम्य बना देती है, और जैसा आपने प्रारंभ में कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप तो चूंकि शिक्षक शिक्षा में रहे हैं, आपने इन चीज़ों को जिया है, अपने हाथ से ये कार्य किए हैं, तो आपको कागज की कहने की आवश्यकता ही नहीं, आपने तो शिक्षक शिक्षा को जिया है। आज का जो ये लेक्चर था सर का, अत्यंत प्रभावपूर्ण रहा, और सर ने निश्चय ही नीति निर्माताओं के लिए और हम सभी के लिए एक दृष्टि प्रदान की है। सर ने जो शिक्षा नीति की प्रस्तावना और विजन को अपने शब्दों में बताया, वह अत्यंत सराहनीय है। सर ने बताया कि भारतीय गौरव की स्थापना करना और हम विश्व में नेतृत्व कर सकें, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना है, जो कि बहुत ही सर ने बड़ी भावपूर्ण बात कही।
सर ने भाषा पर के क्रियान्वयन पर भी बल दिया और सर की जो पहली चुनौती सर ने बताई शिक्षा नीति के लिए वह यह थी कि लोगों का माइंडसेट तैयार करने की जरूरत है। भारतीय लोग भारतीय व्यवस्था के प्रति आदर भाव रखें, सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और मुझे अक्सर मैं जब विचार करता हूँ ऐसी बातों पर तो मुझे दहेज एक्ट का प्रकरण याद आता है कि वह भारतीय मानस के लिए था, अच्छाई के लिए था, लेकिन भारतीयों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाना, स्थानीय स्तर से उसे स्वीकार नहीं किया जाना, वो प्रभावपूर्ण नहीं रहा। तो सर की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें सबसे पहले लोगों का माइंडसेट तैयार करने की आवश्यकता है। सर ने दूसरी चुनौती के रूप में बताया कि नीति के क्रियान्वयन की जो एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो या स्थानीय, उनमें आपसी सामंजस्य बड़ी चुनौती है। और सर के द्वारा एक अत्यंत व्यवहारिक बात बताई गई जो शायद एक गलती भी हो सकती है कि NCFT अभी आया भी नहीं था और हमने सिलेबस भी तैयार कर लिया, तो सर ने ये भी बड़ा अच्छा इधर ध्यान आकर्षण कराया है। साथ ही सर ने भारतीय विद्वानों को पढ़ाने पर बल दिया, गिजू भाई वधेका हो, पाणिनी हो, पतंजलि हो, इन सब के लिए एक अच्छी दृष्टि प्रदान की। शायद भारतीय शिक्षा नीति में इनका नाम उन विद्वानों के साथ होता तो और अच्छा होता। साथ ही सर ने हमें ये दृष्टि प्रदान की कि हमें अपने आप पर गौरव करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकारों को नहीं बदल सकते, अतः हम नीति को नहीं बदल सकते, अतः जो हमारे सामने नीति है हम इसी में सुझाव देते हुए, सुधार करते हुए इसी को लागू करा सकते हैं। सर के कुछ अन्य बड़े ही व्यवहारिक सुझाव रहे जिसमें सर ने कहा कि चूंकि अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण के 60 दिन के लिए विद्यालय मिल नहीं पाते और कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो क्यों ना प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ एक विद्यालय का भी जुड़ाव हो, जैसा सर ने उदाहरण से बताया कि NCERT में ऐसा होता है। साथ ही सर के द्वारा नवोदय विद्यालयों के साथ TEIs टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना का एक व्यवहारिक और बड़ा अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया गया। इस पर भी मैं समझता हूँ निश्चय ही नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए। और चूंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर ऑनलाइन के साथ साथ यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहता है और बहुत लोग इसको सुनते हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ कि देर सवेर यह बात अवश्य ही ऊपर तक पहुँचेगी। वैसे तो सर के स्वयं ही संबंध ऐसे हैं कि सर पहुंचा सकते हैं, पर हमारे प्लेटफॉर्म से भी यह बात जरूर वहां पहुंचेगी। साथ ही सर ने बताया कि जब हम अद्यतन रहेंगे, जब तक हम अपडेट रहेंगे, हम तभी अपने छात्रों को अपडेट कर सकते हैं। ये वास्तव में सर के विद्वता के साथ साथ एक शिक्षक होने की ओर इशारा करते कि आप एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, वही इस बात को महसूस कर सकता है। सर ने ऐसी दृष्टि हमें प्रदान की, दिशा हमें प्रदान की, इसके लिए भी मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। अंत में सर ने कहा कि हवा के विपरीत चलना है तो पूरी ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल सर सही कहा, मैं जो है व्यक्तिगत रूप से भी सहमत हूँ और इस बात से हम जो लाइव स्ट्रीमिंग में भी जुड़े लोग हैं उन्हें भी एक आत्मबल प्राप्त हुआ होगा। बहुत अच्छी बात कही, जब हमें कुछ बदलाव करने होते हैं तो हमें पूरे मनोयोग से और आत्मबल से लगना होता है। कुल मिलाकर आज का यह लेक्चर हम सभी को, नीति निर्माताओं को और जो लोग सुन रहे थे, सबको एक दिशा और दृष्टि दिखाने वाला रहा। ऐसे लेक्चर के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर प्रेम नारायण सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं टीचर एडुकेटर्स SS ग्रुप को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको हमारी ओर से भी पहले तो आपको बधाई, साधुवाद। और इसके अलावा सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, जितना भी कहें कम है। हाँ, एक निवेदन और है, वो मैं अब आपको अलग से लिख के भेज दूंगा जी। उस पर विचार किया जाए। मुझे जी, लगता जी, है कि इसमें जुड़ने वाली जो संख्या है वो ज्यादातर विद्यार्थी और रिसर्च स्कॉलर्स की है। जी जी सर। तो आपने बहुत अच्छा काम किया था जब पिछली बार पिछले पेंडेमिक में, कि आपने उनके डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर कराए थे लोगों के,
आप लोगों ने अपना भी दिया था, बाकी लोगों के भी जो कोर्स कंटेंट से जुड़े हुए हैं, यानी कोर्स से सिलेबस से जुड़ा हुआ मैटर है, उस पर आपने कराया था। अगर इसको उस तरह से जोड़ा जाए ऑन डिमांड, जैसे बच्चे बच्चों से भी इस पर जैसे कमेंट बॉक्स में ही डाले कि उनको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, तो उनकी डिमांड के मुताबिक अगर हम लोग ये काम कर सकें। बाकी तो वो कहते हैं ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, तो नीति बन रही है, क्रियान्वयन हो रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसको भी बीच बीच में जरूर आप उठाते रह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों की दृष्टि से उनके विषयों पर या उनकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर उस पर बात की जाए तो वो उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ठीक है। जी सर, इस संबंध में ये आपका सुझाव और आपकी चिंता सर बहुत ही सही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सर पिछले हमें लगता है कि एक डेढ़ महीने से चल रहा है सर, लेक्चर ऑन डिमांड सर्विस के नाम से, और हमने उसको फेसबुक पर रखने के बजाय गूगल मीट पे हम आयोजित करते हैं सर। हम अपने पूरी कम्युनिटी से क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की जो भी है डिमांड करते हैं बच्चों से। हमने ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे 3 हैं जिनमें पूरा फुल है, 250 के आसपास संख्या है। वो लोग हमें टॉपिक्स देते हैं और टॉपिक्स के हिसाब से हम रिसोर्स पर्सन को भी रिक्वेस्ट करते हैं। और आज ही सर आपके कार्यक्रम के ठीक पहले 13th लेक्चर हमारा गूगल मीट पे संपन्न हुआ है। और सबसे खुशी की बात सर ये, उसमें अच्छी बात ये है कि हमारे साथ एक टीम काम कर रही है जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो सत्र को आयोजित भी करते हैं सर। और यही कारण है कि मैं अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा इस कार्यक्रम पे लगा पाया जो 5 बजे से था, और एक दूसरी टीम 4 से 5 उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। उसमें भी 100 से अधिक विद्यार्थी वो जुड़ते हैं जिनको उस विषय पर कुछ सीखना समझना होता है, और उसमें ये सुविधा रहती है कि सीधे आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन से। हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं और 1 घंटे का सर वो सेशन होता है। और ये सर हमने शनिवार और रविवार में ही रखा है, 2 लेक्चर उसमें शनिवार को होते हैं, 2 लेक्चर उसमें रविवार को होते हैं। तो वीकेंड पर सर 4 लेक्चर हमारे लेक्चर ऑन डिमांड सर्विस के तहत चल रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से भी उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप हमें निसंकोच लिखें जिस विषय पे आपको कठिनाई हो रही है, आपको विषय सामग्री नहीं मिल रही है। हम अपने जो भी हमारा विशेषज्ञों का एक दल है, एक समूह है, उनसे निवेदन करते हैं, वो आते हैं और आपके लिए समय निकालते हैं। तो ये क्रम चलता रहे। साथ ही साथ सर जो ये हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से व्याख्यान माला है जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविदों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे इस विद्यार्थी समुदाय को, साथ ही साथ शिक्षक समुदाय को भी एक दृष्टि प्रदान करें कि कौन से मुद्दे हैं जो उनको भविष्य में प्रभावित करने वाले हैं या आज प्रभावित कर रहे हैं, उसकी भी एक व्यापक दृष्टि बने, एक समझ बने। जैसे विद्यार्थी ने लिखा कि मैं गुरु जी भाई बदेका का नाम नहीं सुना मैंने कभी, तो ये भी एक कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर वो विद्यार्थी इस लर्निंग फेज में ही उस दिशा में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़े असेट के रूप में काम करेंगे। तो दोनों तरफ से सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ सर कई योजनाएं की आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपने चिंता एक बार बीच में और जाहिर की थी और उस कारण से फिर हम इस कार्यक्रम को शुरू कर भी पाए। निश्चित रूप से इस तरह से सर मार्गदर्शन हमारा करते रहिए, हमारे समुदाय का, हमारे विद्यार्थियों का। जब भी आपका मार्गदर्शन मिलता है तो कुछ नया होता है, और उसी का परिणाम है कि हम इस संकट काल में भी कुछ मदद कर पा रहे हैं जो हमसे संभव है। और हम व्यक्तिगत रूप से कर पा रहे थे, अब एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में भी काम करके सब कर रहे हैं। आपने सर समय निकाला और जो मूल और व्यवहारिक चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको रखा है, साथ ही साथ समाधान भी सुझाए हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हम सभी विद्यार्थियों के लिए है, और हमारे मंच से जुड़े हुए जितने भी एकेडमिशियंस हैं कहीं ना कहीं उनको भी एक ये
सोचने के लिए मजबूर करेगा कि इन मुद्दों पर हम कब सोचेंगे। आखिर समय बीतते जाता है, नीति दस्तावेज भी आ जाता है उसको क्रियान्वित करने की। जी नितिन जी, आपको बात नितिन जी आपको हम अभी मौका देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो माइंडसेट की बात सर ने कही है बिल्कुल सही, यहीं से शुरुआत ही है किसी कार्य की। हमारा जब मानस ही तैयार नहीं होगा, कितनी भी अच्छी नीति बने, कितने भी अच्छे NCF बने, NCFTE बने, फिर धरातल पर क्या होता है सर ने बता ही दिया और हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं। हाँ नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अंत में? चूंकि आज सर हमारे सामने ही हैं और संवाद का ऐसा सुअवसर मिला है, तो मैं सर से एक बात कहना चाहता हूं और चाहूंगा कि सर उस पर कुछ मार्गदर्शन करें। सर मैं बड़ा व्यथित रहता हूं कि जो शिक्षक शिक्षा की योग्यता है उसमें हमें MED के साथ दूसरे विषय में PG मांगी जाती है। मैं भी 4 वर्ष BEd कॉलेज में पढ़ा चुका, अभी भी मैं एजुकेशन में हूँ, लेकिन मैं BEd में जल्दी ही राजकीय डिग्री कॉलेज में ज्वाइन करने वाला हूँ। सर मैं ये नहीं समझ पाया कि जब अन्य विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद PG नेट या PhD करने के बाद टीचर बन सकते हैं, तो हमें दूसरी PG की अनिवार्यता क्यों, जबकि उसके ज्ञान की कहीं ना लेसन प्लानिंग में ना पेडागोजी में किसी स्तर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। ये मैं ऐसा खुद भी महसूस कर चुका हूँ। मैंने खूब विचार किया, मैं सोचूं कि मेरे पास जो MSc मैथमेटिक्स है इसकी नॉलेज मुझे कहाँ जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे MSc मैथमेटिक्स का ज्ञान कहीं पढ़ाना नहीं पड़ा। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो परेशान रहते हैं कि सर अभी तो MEd करेंगे, फिर उसके बाद PG करेंगे, तब हम जाकर कहीं किसी BEd कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो सर क्या यह रोजगार को धकेलना नहीं है? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? क्या कोई, यदि पुराने समय में ऐसा नियम बन गया, क्या उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आप तो शिक्षक शिक्षा में जुड़े रहे, जिए हैं सर, इतना लंबा अनुभव है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें सर कुछ दृष्टिपात करें। सर मैं आपको जिस टीचर का हमने उदाहरण दिया उनका नाम है प्रोफेसर मीरा दुबे। वो हमको, उन्होंने BEd में और MEd में दोनों में पढ़ाया है। ईश्वर करे हर विद्यार्थी को उनके जैसा अध्यापक मिले। जैसे हमने कहा ना कि जब गिजू भाई को लागू करेंगे, उन्होंने कहा भोजपुरी में कि प्रेम नारायणी के, हमने बताया कि एक विद्वान है। खैर, जब हम प्रैक्टिस टीचिंग के लिए गए थे BEd में, तो लौट के जब आए वो हमारी लेसन प्लान चेक कर रही थी, हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, वहां अध्यापक तो ऐसा पढ़ाता नहीं है इसकी। तो उन्होंने कहा कि अभी जितना कह रही हूं उतना करो चुपचाप, बस नहीं। मैं मान गया, उनके डांट में भी बड़ा प्यार रहता था। MEd किया, जब MEd कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अब तो MEd कर रहे हो, टीचर एजुकेशन में जाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है। जब मैं अध्यापक बन गया तो छात्र जीवन में जो तीखे सवाल हम अपने अध्यापकों से किया करते थे, वो लोग कहते थे कि समय से ही इसका उत्तर मिल जाएगा। आज जब मैं 1 साल बाद लौटा तो हमारे 2 गुरु प्रोफेसर मानिक चंद शुक्ल और प्रोफेसर मीरा दुबे ने पूछा कि प्रेम नारायण क्या लेसन प्लानिंग की जरूरत तुमको समझ में आई? हमने कहा जी मैडम एकदम समझ में आई और लेसन प्लानिंग तो होनी ही चाहिए। चलिए ये बात हो गई। अब आपने कहा कि हमारे MSc के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान तो इंटीग्रेटेड है ना, हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ये हो सकता है कि MSc की डिग्री का, लेकिन डिग्री और ज्ञान को थोड़ा सा जोड़ दिया गया हमारे यहां कि जब आप ये पढ़ाई करेंगे तो आपको ये डिग्री मिलेगी। आपको गणित के बेसिक चीजें आती हैं, MSc मैथ वाले को मैथ की चीजें उसे मालूम, यानी मैथ उसे मालूम है कहने का मतलब, लेकिन MEd वो इसलिए करता है कि मैथ को किस तरह पढ़ाएगा इसकी ट्रेनिंग BEd में होती है। इसलिए उसको टीचिंग मेथड में क्या मिलती है, अगर उसका ग्रेजुएशन में मैथ है तो मैथ मिलेगा, ठीक है। अगर वो PG है और MEd है और टीचर एजुकेटर बनेगा तो मैथ की जानकारी अलग है
और उसे पढ़ाना अलग है। देखिए कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र में एक बात कही है, एक श्लोक है, शिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म संस्था संक्रांतिरण्य से विशेष युक्ता यस्यो भयो साधु स्वशिक्षकाणाम धुरी प्रतिष्ठा पैतव्य। ये कालिदास कहता है मालविकाग्नि मित्र में। मतलब इसका तात्पर्य है कि एक शिक्षक का ज्ञान गहन होता है, दूसरे में ज्ञान प्रदान करने की दक्षता अच्छी होती है, लेकिन जिसमें ज्ञान और प्रदान करने की दक्षता दोनों अच्छे होते हैं वो सबका सिरमौर होता है। तो एक तरफ आपने पीजी किया, मैथ में किया, हिंदी में किया, सोशल स्टडी में किया, जिस विषय में किया, तो उसका ज्ञान गहन हुआ आपका। लेकिन जब आपने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रशिक्षण लिया, बीएड और एमएड किया, तो ज्ञान को प्रदान करने की दक्षता आपने हासिल किया। तो आपने ज्ञान भी हासिल किया और ज्ञान प्रदान करने की दक्षता भी हासिल किया, तब आप जाकर के सिरमौर बनते हैं। और सिरमौर बनने के लिए तो सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। हिंदी में एमए करके और नेट निकाल करके लड़का हिंदी में लेक्चरर हो सकता है, डिग्री कॉलेज से विश्वविद्यालय तक अध्यापक हो सकता है, लेकिन टीचर से एक बात ध्यान रखिएगा, एक गलती एक आम आदमी करे और वही गलती एक अध्यापक करे तो समाज कहेगा करे अध्यापक होकर के ये गलती किया। कहने का मतलब ये है कि समाज अध्यापक से अपेक्षा कुछ ज्यादा ही करता है। तो अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको ये मेंटली मान के तैयार होके चलना पड़ेगा कि समाज की अपेक्षाएं हमसे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होंगी, पहली बात। अब आप टीचर एजुकेटर बनना चाहते हैं तो जिसका ज्ञान और प्रशिक्षण की दक्षता दोनों बेहतर होगी वो ना बेहतर टीचर तैयार करेगा। आप देखिए, आप किसी ट्रेनिंग एकेडमी में चले जाइए, मैं हैदराबाद रहा हूं तो नेशनल पुलिस एकेडमी में अक्सर चला जाता था मिलने के लिए कुछ लोगों से। आप फौज में देखिए, एक 18 साल 20 साल 22 साल का नया यंग लड़का, लेकिन उसका ट्रेनर 40 प्लस में है, लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाता है तो साथ साथ वो 40 बरस का ट्रेनर भी दौड़ता है, इसलिए कि वो ट्रेनर है। ट्रेनर तो इसी तरह से आप टीचर एजुकेटर हैं, तो ये मान के चलना कि ये खेला जा रहा है नहीं। देखिए इस पर विवाद हुआ और एक लंबी लड़ाई हुई जो सुप्रीम कोर्ट तक गई, एमए एजुकेशन बनाम एमएड, ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। कुछ ऐसे लोग सिस्टम में जो शॉर्टकट आए और शॉर्टकट घुस गए, बड़े बड़े पदों तक पहुंच गए, उन्होंने इसमें भी इसको लगा दिया। तो मित्र, भोजपुरी में कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एमएड कर रहे हैं तो आपका 2 साल या 1 साल बर्बाद हो रहा है। हम लोग भी ये सवाल करते थे, लेकिन समय के साथ इसका जवाब खुद ही मिल गया, ठीक है ना। आपको अगर अन्य विषय में जाना है, किसी ने रोका तो नहीं, आप च्वाइस आपकी है। अगर आपको अंग्रेजी का प्रोफेसर बनना है तो आपको एमएड की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी में पीजी करिए, आप प्रोफेसर बन जाइए। लेकिन अगर आपको टीचर एजुकेटर बनना है तो उसमें पीजी प्रशिक्षण भी आवश्यक होना चाहिए, ये हमारा दृढ़ मत है और इस पर मैं कायम हूं, इस पर ठेला नहीं जाए। जिसको टीचर एजुकेटर नहीं बनना है वो दूसरे फील्ड में जाए, कोई रोक नहीं रहा है उसको। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इसमें आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 1 साल या 2 साल ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वो ज्यादा आपके काम आएंगे, क्योंकि ज्ञान जो है वो कहा गया ना, नचौरहार्यम नचराजहार्यम नवरात्रिभाज्यम नचभारी कार्यम व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो भैया ये आपका धन है,
तो जितना आप हासिल करेंगे उसमें कोई हिस्सा तो लेने वाला नहीं है। कई लोग कई 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 चीजें पढ़ते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने रखी कि समाज हमसे एक शिक्षक के रूप में बहुत अपेक्षाएं रखता है, और हम शिक्षकों के शिक्षक जब बनते हैं तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो फिर हमें और गहराई में और गहन अध्ययन की ओर जाना पड़ता है और गहन प्रशिक्षण की ओर जाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई है और बिल्कुल सही बात है। किसी अभी पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि एमएड की महत्ता इसको पूर्ण करने के बाद में ही समझ में आती है। सर सही कहा आपने, जैसे जैसे हम इस फील्ड में समय बिताते हैं तो हमें स्वतः समझ में आने लगता है कि हमने कोई कार्य क्यों किया। समय की मर्यादा है, बहुत अधिक समय हो गया है। मैं इस कार्यक्रम को अब औपचारिक रूप से समाप्ति की घोषणा करता हूँ। हम अपने सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े उनसे मैं उनके लिए सूचना है कि अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे और इसी शाम के समय किसी एक और विषय को लेकर किसी और एक हमारे अनुभवी और विद्वान शिक्षाविद के साथ आप जुड़े रहिए, हमारी सूचनाएं देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इस मंच से जुड़कर इस मंच को सार्थकता प्रदान की। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कि जब भी हम आपको याद करते हैं, आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं, साथ ही साथ ये जो बहुत बड़ा समुदाय विद्यार्थियों का है उसका मार्गदर्शन करने के लिए भी आप समय निकालते हैं। आप हमेशा इसी तरह सर आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे विद्यार्थी जो हमारे मंच से जुड़े होंगे और जिन्होंने बाद में इस व्याख्यान को शुरू किया होगा, देखना या सुनना, इस व्याख्यान के समाप्त होने के बाद, लाइव रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद ये पूरा व्याख्यान हमारे फेसबुक समूह पर उपलब्ध रहेगा। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, बाद में भी सुन सकते हैं और अब हमको आप सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी imteachereducator@gmail.com के नाम से है और आप हमारे इस लाइव वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ हमसे कहना है, कुछ सुझाव है या किसी अन्य विषय पर आप हमसे व्याख्यान चाहते हैं, किसी विषय विशेषज्ञ ने को आप सुनना चाहते हैं और उनसे अगर आपने बात की है तो निश्चित रूप से हम उनसे संपर्क करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।